आज का हमारा टॉपिक है वर्कबुक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि शीट्स रेंज से कैसे वर्क कराते हैं, शीट से कैसे कराते हैं, अब वर्कबुक से कैसे कराते हैं। ठीक है, तो वर्कबुक में भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे एक्टिव सेल होता है हमारे पास, एक्टिव शीट होता है, इसी तरह एक्टिव वर्कबुक भी है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी हम एक्टिव वर्कबुक डॉट डॉट करके इसके सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे नेम जानना है मुझे वर्कबुक का, एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम। ठीक है, इसमें आप उसका नेम सेट भी कर सकते हैं, मतलब वैसे ज़्यादा सेट तो नहीं कर सकते क्योंकि इस फाइल सेव हो जाती, पर आप इसका नाम मैसेज बॉक्स से देख लेते हैं, ये बुक वन। ठीक है, तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं वर्कबुक की। हालांकि दूसरी तरह से इसको ऐसे यूज़ किया जाता है कि वर्क बुक्स डॉट ऐड, इसका मतलब है नई वर्कबुक ऐड करेगा। ठीक है, नई वर्कबुक ऐड करेगा, अगर मैं इसको करता हूँ, ये एक नई वर्कबुक आ गई हमारे पास, बुक टू। तो क्या होता है कि एक्टिव वर्कबुक आ जाती है ना, जो फाइल नई खुलेगी। हाँ, अगर आपकी वर्कबुक ओपन होगी या ऐड होगी तो वो एक्टिव वर्कबुक आती है। तो उसका एक तरीका है जिससे हम इसको जान सकते हैं, मतलब या इस पर काम करा सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें पुरानी शीट से, पुरानी वर्कबुक से नई वर्कबुक में कुछ कॉपी करना है या बार बार ऐसा करते रहना है, तो हमें पता होना चाहिए। हर बार तो वो एक्टिव रहेगी नहीं, और हर बार हमें नाम नहीं मालूम रहेगा कि वो बुक वन है, बुक टू है, बुक थ्री है ना। तो उस केस के लिए हम इसका एक कोड यूज़ करेंगे, देखते हैं कोड। वो तो हम कोड की बात कर रहे थे कि इसमें हमें एक कोड डालना है जिससे हम कोई वर्कबुक खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उसका नाम काम कर सकें। इसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, या तो सबसे आसान तरीका है एक
स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लीजिए डिम एस एज स्ट्रिंग, ठीक है। और जैसे ही वर्कबुक ऐड कराई आपने, एस इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम, ठीक है। अब ये एस वो वाली हो गई जो ऐड हुई है, तो जब भी आपको इसका काम कराना है तो वर्कबुक्स ब्रैकेट में ही ऐसे ही नाम भी आता है इसका, वहाँ पे एस दे देंगे, ठीक है। और फिर उसकी शीट कौन सी है, वो वाली पहली शीट में मैंने कौन सी रेंज में क्या करवाना है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर क्या चीज़, देखो जैसे जैसे शीट में हम नेम देते हैं ना, तो मैंने एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिफाइन कर लिया जिसमें शीट का नाम जो है मैंने स्ट्रिंग में सेव करा दिया, ठीक है। अब चाहे मैं इन्वर्टेड कॉमा में दूं चाहे वेरिएबल से दे दूं, चलता है, ठीक है, समझ आया। जैसे मैं A1 हाँ हाँ मतलब जैसे चार वर्कबुक पे एक साथ काम करना है ना, तो चार वेरिएबल बनेंगे और जब जब एक्टिव होंगी उनका नाम बकायदा सेव कराया जाएगा और फिर उनसे इधर से कॉपी उधर से पेस्ट ऐसे करके चलना है, ठीक है, मतलब एक्टिवेट करा करा के। अब देखो तुम्हारी अभी इसमें क्या हुआ, हमने नई वर्कबुक तो एक्टिवेट करा दी, अब पुरानी वर्कबुक का ज़रूरी नहीं है कि नाम हर बार सेम हो, तो पुरानी वर्कबुक का भी नाम होना चाहिए। तो मैं कर देता हूँ इसका NW कि ये न्यू वर्कबुक होगी, और OW के नाम से एक और बना लेता हूँ स्ट्रिंग, तो NW एज स्ट्रिंग एंड OW एज स्ट्रिंग। तो मैं क्या करूँगा, OW में वर्कबुक ऐड कराने से पहले ही एक्टिव वर्कबुक दे दूँगा, ठीक है ना। तो मुझे NW OW से पता पड़ जाएगा कौन सी शीट किधर से क्या चल रही है, ठीक है। तो अगर आप इसको चला के देखते हैं, बुक टू अभी मैं क्लोज कर देता हूँ, बुक टू में कुछ नहीं था, हाँ बुक वन, ठीक है। तो ये मैक्रो अगर मैं चला के देखता हूँ, रन, नई वर्कबुक आई उस पर हमने लिख दिया। ऐसे ही हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ का डाटा उठा के वहाँ पेस्ट मार सकते हैं, यही सब कराना होता है, ठीक है। डाटा कंसोलिडेशन करना है, सब कुछ ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, वर्कबुक डॉट ऐड करके देखा, ठीक है। और अब करते हैं वर्कबुक डॉट ओपन, वर्कबुक डॉट ओपन, ओपन में क्या चाहिए हमें, फाइल नेम चाहिए। तो ये फाइल अगर आपकी कहीं सेव है तो फाइल नेम देंगे तो खुल जाएगा, अदरवाइज इसको पूरा पाथ चाहिए होता है। तो अब ये आप पाथ कहाँ से लाओगे, जैसे पाथ आपका है, जैसे हाँ ये जैसे मान लो कि ये PLT2 वाली फाइल है, ठीक है। अब ये डेस्कटॉप पे है, प्रॉपर्टी में देख लेते हैं, इसमें शायद पूरा पाथ ही मिल जाता है ना, हाँ ये रहा, ठीक है। तो इसको हमें इन्वर्टेड कॉमा में देना पड़ेगा, तो गया कोड मेरा, इन्वर्टेड कॉमा में ये दिया ऐसे, और फाइल नेम जो है हम वो भी देंगे PLT2.xlsm XLSM, ठीक है जी, इस तरीके से दिया जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये वर्कबुक खुलवाता हूँ, जैसे ही मैं ये करूँगा ये वर्कबुक मेरी खुल के आ गई, जहाँ कोड लिखा था ये वाला, ठीक है। पर आपको मान लो कि जैसे वर्कबुक डॉट ओपन करनी है, तो ओपन में कई बार आपको फोल्डर का पाथ वगैरह ये सब नहीं पता है, आप चाहते हो कि एक डायलॉग बॉक्स आ जाए जिससे मैं सिलेक्ट करके बता दूं, है ना,
तो उसका एक डायलॉग बॉक्स है, स्टॉप करो, स्टॉप है ना, उसका होता है गेट ओपन फाइल नेम वर्कबुक डॉट ओपन वर्कबुक्स डॉट ओपन गेट ओपन फाइल नेम करके एक फंक्शन है मेरे ख्याल से। देख लेते हैं किससे चलता है। गेट एप्लीकेशन गेट ओपन फाइल, ठीक है। ये क्या करेगा, फाइल नेम निकाल देगा आपका, तो हम इसमें से इसको वर्कबुक डॉट ओपन में डाल देते हैं, वर्कबुक्स डॉट ओपन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, गेट ओपन फाइल नेम एक डायलॉग बॉक्स है, जब हम प्ले करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इसमें से कोई भी फाइल आप चूज़ करेंगे वो फाइल ओपन कर देगा, ठीक है। ये खुल के आ गया, ठीक है। जब पाथ ना पता हो तो हम चूज करवा सकते हैं, और उसके बाद वो एक्टिव शीट हो जाती है, एक्टिव वर्कबुक हो जाती है, फिर यही मेथड फॉलो कर सकते हैं कि वो फाइल ओपन हो गई इसी तरह से, ठीक है। अब फाइल ओपन हो गई, आपको फाइल क्लोज करानी है। अब गेट ओपन फाइल नेम जो खुली एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, ठीक है। क्लोज के बाद एक अगर स्पेस मारोगे तो सेव चेंजेस का आता है, जैसे किसी फाइल को क्लोज करने लगते हो तो ये पूछता है सेव करना चाहते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स देना चाहता है। अगर हम सेव करना चाहते हैं तो ट्रू, और अगर नहीं करना चाहते तो फॉल्स, ठीक है। तो मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। पर फिर भी ये अगर कोई चेंज होगा तो वैसे पूछता है, चला के देखते हैं इसको, एक एक करके चलाते हैं। ये F8 करके हम चला सकते हैं। ये फाइल खुली, फाइल खोलने के लिए पूछ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये ओपन हो गई फाइल, और F8 करेंगे तो फाइल क्लोज, ठीक है। कई बार जैसे कि आप उसमें कुछ लिखवा दोगे, हाँ, अगर आप फाइल में कुछ काम करवा देते हो तो वो क्या करेगा, आपको मतलब तब भी एक एरर मैसेज देगा या कुछ भी। तो उस जगह पे आपने क्या करवाने, इस जगह पे डिस्प्ले एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स डॉट एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इक्वल टू फॉल्स करवाने, अगर कोई मतलब एरर मैसेज या कुछ ऐसा दे रहा है, और इसके तुरंत बाद ट्रू करवाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको चलना है। तो ये देखिए ना, ओपन होगा फिर क्लोज हो गया, ठीक है ना। तो ओपन क्लोज आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करा सकते हैं, हम वर्कबुक को सेव कराते हैं, है ना। तो जैसे अभी हम करंट वर्कबुक पे काम कर रहे हैं, तो एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, सेव क्या करेगा, अगर आपकी फाइल सेव है तो सेव करता है, सेव एज होता है बेसिकली, जहाँ पे हम इसको बताते हैं कि कहाँ सेव होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि डेस्कटॉप पे
ठीक है, इस एड्रेस पे किस नाम से कर दे, वर्कबुक ऑब्जेक्ट के नाम से, डॉट एक्सेल एस एम के नाम से सेव कर दे। ठीक है, जब इस कोड को चलाऊंगा तो मेरी फाइल पूछ रही है कैन नॉट बी सेव्ड इन मैक्रो फ्री वर्कबुक। नहीं, मैक्रो फ्री तो करना नहीं है, यहाँ से एंड कर देता हूँ। तो ये तो आपका वो हो गया। और उसके बाद फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट आपका मैक्रो फ्री वर्क एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड। हाँ, उससे नहीं हो रहा है, तभी हम उस पर कर रहे हैं। पर एक बार हम देख लेते हैं सेव एज फाइल नेम में कि फाइल फॉर्मेट कैसे देते हैं। ठीक है, VBA फाइल फॉर्मेट, फाइल सेव एज, सेव एज फाइल फॉर्मेट नंबर 4 सेव। तो इसमें हाँ ये है आपका, इस तरीके से देते हैं। ठीक है, आप देखते हैं लेता मेथड सेव एज ऑब्जेक्ट वर्कबुक फेल, क्यों वही है, क्यों फेल है। एंड इसमें दे यार, ये सही तो लिखा है एक्सेल मैक्रो इनेबल एक्सेल एस एम। एक मिनट, फाइल सेव 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 सेव, फाइल फॉर्मेट 52, सेव एज फाइल नेम, फाइल फॉर्मेट इक्वल टू 52, फाइल नेम सेव एज फाइल नेम डॉट एक्सेल एस एम, फाइल फॉर्मेट एक्सेल, हाँ ओपन एक्सएमएल वर्कबुक मैक्रो इनेबल्ड। बड़े सारे यार, इसी तरह कोई कोड है इसका ना, ये सब आपको नेट पे ऑन द स्पॉट मिल जाता है, क्योंकि इतने बड़े कोड हैं आपको वैसे भी नहीं याद रहेगा। ठीक है, आप देख लेते हैं, हो गया काम। ठीक है, तो हमारी ये फाइल हो गई सेव, ये रहा वर्कबुक रेंज ऑफ वर्कबुक ऑब्जेक्ट के नाम से और एक्सेल एस एम फॉर्मेट में हो गई। ठीक है, उसके बाद इसमें आपने पासवर्ड लगाना है। ठीक है, पासवर्ड लगाने के लिए भी आपका मैं वो कर देता हूँ। पासवर्ड कैसे लगता है इसमें, या तो सेव एज करते टाइम आप फाइल को यहाँ से देते हैं, टूल्स में जाके जनरल ऑप्शन में यहाँ से देते हैं पासवर्ड टू ओपन, या इसमें ऐसे दे सकते हैं एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड। ठीक है, इसको आपको इक्वल टू करके देना पड़ेगा। रीज़न क्या होता है कि कई जगह मैं इक्वल टू लगाता हूँ, कई जगह ऐसे, ये जो ये उंगली वाला निशान दिख रहा है ना प्रॉपर्टी, इसमें जब भी वैल्यू जाएगी इक्वल टू से ही जाएगी।
और ये वाले जो होते हैं ये स्पेस के बाद चलेंगे। तो ये मेथड होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो पासवर्ड, तो पासवर्ड आप देख रहे हो उसमें प्रॉपर्टी आ रहा है, तो ये जो वैल्यू जाएगी वो ऐसे ही जाएगी 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं इसको रन किया, मैंने देखें पासवर्ड लगा है कि नहीं। फाइल को सेव कर देता हूँ मैं, क्लोज़ किया। अब जब मैं ओपन करूँगा तो पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3 4, ठीक है, ओपन हो गया। तो वर्कबुक ओपन करते समय भी पासवर्ड की प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं। अभी अगर मुझे इसको रिमूव करना है यहाँ से, या तो वहाँ से जाके नॉट इक्वल टू कर सकता हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड होता है, यहाँ से जाके डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें से पासवर्ड हट गया है, पासवर्ड ओपन करना है तो हमारे पास इसी तरह से है। वर्कबुक डॉट ओपन के अंदर वो कोड आएगा, वर्कबुक डॉट ओपन स्पेस, ये रहा पासवर्ड। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जब मैंने कहा कि यहाँ का आपको अगर ऑप्शन चलाना है तो आपको ऐसे टाइप करना पड़ेगा पासवर्ड और एक कॉलन और इक्वल टू, तब आप इस प्रॉपर्टी में एंटर कर पाएंगे। तो पहले आपको फाइल नेम देना है कि कौन सी फाइल ओपन करनी है और किस पासवर्ड से करनी है, वो आप ठीक है। तो यहाँ आप पासवर्ड दे सकते हैं, इसको मैं पहले इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ आप पासवर्ड देंगे 1 2 3 4 जो भी दिया होगा, ठीक है। हालांकि ये वर्कबुक, अपनी वर्कबुक में ये कोड चलेगा कैसे जब मैं ये बंदी हो जाएगी, पर कोड आपका ये रहता है इस तरीके से, ठीक है, इसी से खुल जाएगा। और क्या करते हैं हम वर्कबुक के साथ, हमने वर्कबुक ऐड करना देखा, ओपन करना देखा, सेव करना देखा, पासवर्ड लगाना सीखा। वर्कबुक डॉट डिलीट, एक्चुअली डिलीट वर्कबुक क्या होती है, हमारी फाइल डिलीट होती है। तो अगर ऐसी कोई फाइल आपको करनी है तो कोड अलग है थोड़ा सा, वो लगता है किल का, आपका किल करके जो भी आप पाथ नेम दे देंगे वो फाइल उड़ा देगा ये, ठीक है। देखते हैं किसी एक टेम्परेरी फाइल, क्योंकि मैं वैसी फाइल तो उड़ाऊंगा नहीं, है ना। मैं ऐसे करता हूँ जिसका नाम कुछ भी रख सकूँ, ABCD, ठीक है। और ये है डेस्कटॉप पे XLSX करके होगी, ठीक है, नॉर्मल एक्सेल फॉर्मेट है ये। तो किल में पाथ आ रहा है इसका, ABCD करके, यहाँ नाम दे देता हूँ ABCD, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये कर पाता है, हमने किया और वो गायब है ABCD। ये तो अब देखना पड़ेगा कि रिसाइकल भी नहीं, यहाँ मैंने डिसेबल कर रखा है, क्योंकि ये तो मालूम नहीं मुझे रिसाइकल बिन, वैसे मेरे हिसाब से तो रिसाइकल बिन में ही जानी चाहिए, अगर यहाँ ABCD नाम की फाइल पड़ी हुई है रिसाइकल बिन में, नहीं है, डायरेक्ट उड़ा देगा।
ठीक है, तो ये आपका किल, मतलब ये किसी भी फाइल के लिए यूज़ हो सकता है, खाली VBA मतलब एक्सेल नहीं, कोई भी फाइल उड़ानी है तो ये है। शीट के लिए डिलीट हो गया, वर्कबुक कोई भी फाइल, इमेज फाइल हो, वो हो कोई और डाटा हो, उड़ाना है किसी का कंप्यूटर ही पूरा साफ कर देना है, मैक हो इसमें फिर वो लूप लगा के छोड़ दो, उड़ाता जाएगा ये पूरा कंप्यूटर का डाटा साफ कर देगा बोलोगे तो। इसे वर्कबुक का रीनेम, हाँ ये भी सही है, वर्कबुक पर वो रीनेम का ना आपके ये ना फाइल के ऑप्शन है रीनेम वाले, जैसे किल है ना इसी तरह से रीनेम भी होगा, क्योंकि रीनेम आप हर किसी का अलग अलग कर सकते हो, अदरवाइज तो सेव एज का ऑप्शन उसे दूसरे नाम से सेव कर ही देगा, पर उसी फाइल का नाम चेंज करना है तो इसमें ऑप्शन कुछ अलग होगा, तो ये कोई मतलब खाली इसी के साथ नहीं किसी के भी साथ होगा, ये आपको ये सारे ना छोटे मोटे यहाँ से मिल जाएंगे कि एक्सेल VBA रीनेम फाइल, फाइल इन फोल्डर, फाइल का नाम चेंज करना हो वैसे मैंने एक मैक्रो बनाया था जिसमें लगाया था ये फाइल का रीनेम कराया था, एक छोटा सा कोड होता है, ये सब डायरेक्टरी फंक्शन होते हैं, इनकी कैटेगरी होती है फाइल इनपुट आउटपुट वाली डायरेक्टरी, ठीक है, तो इसका है माय फोल्डर, फाइल से ये फाइल आई, रीनेमिंग फंक्शन माय फाइल इक्वल टू DIR नहीं है, नहीं है फाइल 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 रीनेम रीनेम नेम सेल्स सेल्स रीम रीनेम फाइल R इज एम्प्टी B नेम सेल्स डू अंटिल इज एम्प्टी आर योर ओल्ड फाइल इन कॉलम एवन है एम्ड, इसने क्या किया है लिस्ट फाइल बनाई, अच्छा फाइल की लिस्ट बनाई और फिर इनका एक्चुअली ये सेव एज है मेरे ख्याल से 1A और इज एम टी आर सेल पी नेम नेम एज, ओके इसका है नेम एज, ठीक है, तो ये पूरा पाथ देना पड़ेगा नेम एज, हाँ तो जैसे हमने ABCD बनाई थी फिर से बना लेते हैं ABCD और उसका नाम एक्टिव वर्कबुक का होगा नहीं किसी अदर फाइल का, अब ABCD हमने नाम रख लिया, ठीक है इसका, अब इसको हम करेंगे ये जो हमारा ABCD था नेम एज XYZ, ठीक है चला के देखते हैं चलता है नहीं चलता, XYZ हो गया, ये है आपका फाइल क्लोज होनी चाहिए, इसको रिन्यू करना है, हाँ करंट वाली फाइल अगर ऊपर में है तो उसको रिनेम करेंगे तो वाली फाइल करंट वाली फाइल रिनेम कर ही नहीं सकते ना हम, क्योंकि वो ओपन है एरर दे देगा तुरंत ही, हाँ तो जब ये किल और नेम के अलग अलग से फंक्शन है, ठीक है ना, बहुत इजी है ये, इतने मतलब टफ नहीं है, बहुत छोटे छोटे से कोड है किल के नेम के और आगे भी हैं, इसमें डायरेक्टरी के फंक्शन है, जैसे डायरेक्टरी में से आपको सारी वर्कबुक निकलवानी है, प्रॉपर किसी का एक्सटेंशन दे रखा है, हाँ
तो वो कोड आगे जाके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी इसको यहाँ पे करता हूँ। और एक छोटा मोटा सा अब हम काम करवा लेते हैं, हाँ, क्योंकि अभी तक हमने हमने रेंज का जान लिया क्या करता है, शीट का जान लिया क्या करता है, वर्कबुक का जान लिया क्या करता है, तो अब हम छोटा मोटा कोई एक काम करा देते हैं, ठीक है। कि जैसे कि हम बताएं कि एक फाइल से दूसरी फाइल में वी लुकअप लगवाना है, ठीक है। एक फाइल का डेटा कहीं और पड़ा है और दूसरी फाइल में वी लुकअप लगवाना है, या यहाँ से तो इसको मैं क्लोज मारता हूँ, सेव करता हूँ फिलहाल, क्योंकि थोड़ा सा हैंग भी होने लगा है ये, ठीक है। तो अब कंसोलिडेट करवाना है, मैंने VLookup लगवाना है, तो मेरी जो होगी XYZ जो फाइल है, मैं इसमें एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, नेम EID कर देता हूँ, EMPLOYEE ID, नेम सेल्स, ठीक है, E001 संदीप, और रैंड बिटवीन करके डेटा बना दिया मैंने, ये छोटा सा डेटाबेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मुझे VLookup लगाना है, तो मैं अब इस फाइल को सेव करके क्लोज कर देता हूँ। पहली शीट है इसकी, ठीक है। दूसरी शीट मैं बना लेता हूँ, बल्कि इसी में ही करते हैं हम, ठीक है। उस फाइल से इसमें VLookup लगवाना है, तो वर्कबुक में मान लो कि यहाँ इसमें कुछ डेटा है, और यहाँ पे आपका आ गया, हम इसका नाम बदल के कर देते हैं डेटा, या कुछ भी कर सकते हैं। तो EID नेम सेल्स, ठीक है। तो EID कुछ भी हो सकती, E001 इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और इसमें से कुछ कुछ डिलीट कर देता हूँ, या ना भी करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वही डेटा मुझे VLookup से यहाँ पे उठवा के लाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन दबाऊँगा जिसके बाद वो फाइल को ओपन करेगा, ठीक है, उससे VLookup लगाएगा, फिर क्लोज कर देगा, ठीक है, और यहाँ डेटा को पेस्ट एज वैल्यूज़ कर देगा। मैं नहीं चाहता कि इसमें फॉर्मूला रहे, तो इंसर्ट में मैं डालूँगा एक शेप, कोई भी शेप डाल सकते हैं, इसमें कर दूँगा गेट डेटा या अपडेट डेटा इस तरह से, ठीक है, गेट डेटा, और तुरंत इसका मैक्रो बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं एक मैक्रो क्रिएट करता हूँ, सब गेट डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे वो फाइल ओपन करवानी है, सीधा सीधा उठाया वर्कबुक डॉट ओपन XYZ वाला, XYZ, XYZ,
और एक्सेल एसएक्स कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम फाइल ओपन करवाएंगे और सबसे पहले मुझे करंट फाइल का भी नाम पता होना चाहिए, नाम याद रखना है। तो इसके लिए मैं वही कर लेता हूँ, डिम एनडब्ल्यू एज स्ट्रिंग और ओडब्ल्यू एज स्ट्रिंग, मतलब ओल्ड वर्कबुक और न्यू वर्कबुक। तो सबसे पहले उस फाइल को ओपन करवाने से पहले मुझे ओडब्ल्यू इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम, ठीक है, इसमें आ गया। अब जैसे ये फाइल ओपन हुई, यहाँ एन डब्ल्यू इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम, ठीक है, फाइल ओपन हो गई। तो हमें क्या करना है, शीट वन पे है डाटा उसका, तो शीट वन डॉट एक्टिवेट, पहले उसको एक्टिवेट करा लेंगे। अगर नहीं है किसी और शीट पे है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, शीट वन एक्टिवेट कराई, फिर हमने उसको ये निकाल लिया कि फिर हमने उसका क्या निकाल लिया हाँ, लास्ट उसका डेटा कहाँ तक है, तो मुझे लास्ट रो चाहिए होगी उसकी कुछ कैलकुलेशन के लिए। तो डिम एल रो एज लॉन्ग में ले लिया मैंने, लॉन्ग इसलिए लेता हूँ क्योंकि 65,000 से ऊपर अगर मुझे काम करना है ना तो लॉन्ग लेना पड़ता है, तो क्योंकि ये हो सकता है कभी भी। और उसके बाद एल रो, अभी हमारी एक्टिव वर्कबुक वही है, ठीक है, नई वाली है, तो शीट वन उसकी एक्टिवेट है। तो मैं सीधा सीधा ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, ये 65,000 मतलब मैं सबसे नीचे वाली रो में गया उसके, ठीक है, एंड एक्सेल अप, मतलब वहाँ से एंड कंट्रोल अप करते हैं ना जैसे, वैसे करके आया डॉट रो। ये जो रो की प्रॉपर्टी है क्या देगी, एल रो को रो नंबर दे देगी लास्ट, और उसका डाटा मुझे मालूम है कि A2 से ही चालू है, A2 से चालू है, तो A2 से A B C एल रो तक, ठीक है, उसका डेटा होगा। तो मैं क्या करूँगा, रो नंबर मुझे मिल गया, क्योंकि वी लुकअप के फार्मूले के लिए मुझे वो सब चाहिए होगा। मैं सीधा सीधा यही एल रो का डिम ओ एल रो एज लॉन्ग, ओल्ड वाली का मुझे चेक करना है कि उसमें कितना डेटा है ना, तो ओ एल रो इक्वल टू, हाँ अब मुझे वर्कबुक वो वाली करानी पड़ेगी है ना, एक्टिवेट वर्कबुक प्लस शीट, वो जो डेटा शीट हमने दे रखी है उसका नाम। तो ये हमने ले तो लिया, अब इसमें हम क्या करेंगे, वर्कबुक्स में ओ डब्ल्यू इक्वल टू एक्टिवेट, पहले उसको एक्टिवेट कराएंगे, फिर उसकी शीट को एक्टिवेट कराएंगे। शीट्स चाहे तो उसका वर्कबुक का नाम भी लिख सकते हैं, पर अगर वो एक्टिवेट हो गई तो शीट इसी में से लेगा, शीट डेटा इक्वल डॉट एक्टिवेट, ठीक है। अब हमें पता है कि इसकी रेंज जो है हमारी डेटा शीट पे ही चल रही है, तो ओ एल रो में वो हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है, आगे भी चल रहा
क्लास चल रही है, खत्म हो गया। हेलो, हाँ जी, तो इसमें मैं बता रहा था कि हमारे पास लास्ट ओएल रो हमने ओल्ड वर्कबुक से ले ली। अब क्या करना है, हमने पुरानी वाली शीट से वी लुकअप लगाना है यहाँ पे ओएल रो तक, रेंज बी टू से स्टार्ट करना है, बी टू में लगेगा वी लुकअप, ठीक है। बी टू कॉलन बी एल रो ओ एल रो, ठीक है, डॉट फॉर्मूला इक्वल टू, अब इसमें आपको इधर वी लुकअप लगाना है, वी लुकअप यहाँ पे हम करेंगे रेफरेंस ए टू, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस होता है, एक में फार्मूला लगाएंगे तो अगर आप डॉलर नहीं लगा रहे तो वो ड्रैग हो जाएगा अपने आप। अब मुझे चाहिए टेबल एरे, पर टेबल एरे में क्या होता है कि आपको अगर अदर फाइल से ले रहे हैं तो फाइल का नाम चाहिए, शीट का नाम चाहिए और देन उसकी रेंज चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, तो हमारे पास किस में एक्टिव एन डब्ल्यू में एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे लगेगा आपका, ये कोटेशन मार्क के अंदर लगता है, ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। तो अब मुझे जो लेना है वो वेरिएबल से लेना है, तो यहाँ से मैं कंकैटिनेशन का साइन लगाऊंगा और ये डाल दूंगा एन डब्ल्यू, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा और शीट का नाम देना पड़ेगा, जो कि शीट का नाम मेरे को पता है कि ये शीट वन ही है, ठीक है। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से पहले एक कोटेशन मार्क ये क्लोज होगा, क्योंकि अगर हमारे पास वर्कबुक नेम या शीट नेम में स्पेस होता है तो ये कोटेशन मार्क आते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आएगा रेंज, हमने वैसे एल रो चाहे तो ले सकते हैं, अगर अदरवाइज हमारा ट्रेडिशनल तरीका है ए कॉलन बी कर सी करके इस तरह से पूरा पूरा ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे लिया और इसके बाद कॉमा वर्क इंडेक्स जो होगा टू होगा ज़ीरो और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। तो अब करके देखते हैं ये छोटा सा कि हमारा वो लगा है कि नहीं। अगर मैं गेट डेटा करूं, हाँ सबसे पहले मुझे असाइन मैक्रो करना पड़ेगा गेट डेटा पे, ओके क्लिक किया शीट्स, यहाँ पे हमारे पास शीट्स होता है, गलत लिखा हुआ है, आगे चलते हैं। आ गया डेटा, वी लुकअप चल गया, ठीक है। पर अब क्या है कि अभी ये शीट ओपन है तो इस वजह से मेरा ये वाला तो काम चल गया, पर जैसे ही मैं वो शीट क्लोज करवा देता हूँ तो क्या होगा कि ये रेफरेंस में बदल जाएगा, क्योंकि उसको या तो पाथ चाहिए या कुछ ऐसे इस तरह से चाहिए, तो मैं इसको पेस्ट एज वैल्यूज़ करवा दूँगा, ठीक है। हाँ तो जो मैंने लगाया है उसको पेस्ट एज वैल्यूज़ और वर्कबुक हम क्लोज भी करवाएंगे आगे। तो रेंज यही वाली रहेगी मेरी, पहले कॉपी पेस्ट करवाना पड़ेगा मुझे, ये डॉट कॉपी सेम को मैंने कॉपी कर लिया, इसके बाद रेंज यही वाली पेस्ट स्पेशल। अब देखो यहाँ पे ज़्यादातर मैं पेस्ट स्पेशल दूंगा, क्योंकि अगर मैं रेंज को रेफ़र कर रहा हूँ, अगर मैं खाली पेस्ट करता हूँ, खाली पेस्ट जो होता है वो एप्लीकेशन लेवल पे चलता है, वो रेंज लेवल पे नहीं आता, रेंज लेवल पे हमारा पेस्ट स्पेशल चलता है, क्योंकि एप्लीकेशन पे जैसे कंट्रोल वी कर रहे हैं हम, तो हमने चाहे सिलेक्ट किया है नहीं किया है कुछ भी है उसको उससे मतलब नहीं, वो उसने पेस्ट करना है कहीं भी करना है, ठीक है। तो उस कुछ इस तरह का रूल रहता है। उसके बाद स्पेस मारेंगे एक्सेल पेस्ट वैल्यूज़ का आपके पास ऑप्शन है, ठीक है,
तो ये पेस्ट मेरी वैल्यूज़ भी हो जाएंगी इसमें। अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ वर्कबुक को, उसको भी क्लोज़ कर देता हूँ जो मैंने खुलवा दी थी यहाँ से, उसको क्लोज़ कर देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं वर्कबुक इसके बाद क्लोज़ करवाऊँगा, वर्कबुक NW मुझे क्लोज़ करवानी है। NW.close और ट्रू फॉल्स, डेटा में मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए। तो अब मैं जब ये करता हूँ तो ये आ गया। अब ये जो कॉपी का साइन दिख रहा है ना, आप चाहते हैं ये ना आए क्योंकि कॉपीड रहता है, तो इसके लिए जो कोड है हमारे पास वो होता है application.cutPasteMode, कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स करना होता है। ठीक है, वो नहीं आएगा। रेंज का सिलेक्शन करवा सकते हैं, क्लोज के बाद कर दो कभी। कट कॉपी मोड फॉल्स का मतलब है कि वो जो कॉपी का जो साइन घूमता हुआ आता है ना, वो नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ, ये हो गया। अभी भी इसमें एक चीज़ आ रही है जो चीज़ मैं नहीं चाह रहा हूँ, कि जब फाइल खुल रही है ना तो ये बफरिंग सी कर रहा है, मुझे पता पड़ रहा है क्या हो रहा है, वहाँ से कुछ खुला बंद हो गया फॉर्मूला लगा, तो वो बेसिकली जो स्क्रीन अपडेट कर रहा है वो ना करें। तो इसमें एक कोड चलता है application.screenupdating, इससे आपका कोड का जो मतलब साइज़ है या परफॉर्मेंस है वो भी बेटर हो जाती है। फॉल्स करेंगे हम इसको। हाँ, तो मतलब स्क्रीन पे जो भी कर रहा है बैकग्राउंड में करें, हमें कुछ नहीं देखना। ठीक है, स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स ट्रू। ठीक है, ये कोड अभी थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है समझने के लिए, क्योंकि खाली मैंने डेमो के लिए दिखाया है ना। तो इसको हम आगे एट लेंथ में करेंगे जैसे हम और चीज़ें सीखते जाएंगे, अभी के लिए ये बहुत ज़्यादा है मेरी तरफ से भी। ठीक है, पर हाँ इसमें कुछ भी नया नहीं है, नया नहीं है, वही चीज़ें जो मैंने बताई हैं। तो उनके आप ऐसे थोड़ी छोटे मोटे प्रोजेक्ट लेके प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मूव करना कॉपी पेस्ट का चलो मैंने बता दिया, तो ये छोटे मोटे काम आप कर सकते हो। तो आज की सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है सर, ओके सर। हाँ हाँ मैं भेज दूंगा, वो कल मैं शायद फिर कहीं निकल गया था तो इसलिए। और नेक्स्ट में ना नेक्स्ट वीक का मैं ना इन्फॉर्म करूँगा, क्योंकि शायद मैं यहाँ पे नहीं हूँ नेक्स्ट वीक। ठीक है, हाँ मतलब वैसे है, अगर मैं इन्फॉर्म ना कर दूँ तब तक तो है ही है। ठीक है, अगर मैं जाऊँगा तो इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, ठीक है जी।